दादरी में बिजली विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि गुरुवार को एक ठेकेदार के नीचे काम करने वाले गांव ढोका हरिया निवासी जगमोहन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मृतक बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए खंभे पर बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के चढ़ा और काम करते हुए अचानक गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो गई। ये उस खंभे पर काम कर रहे थे, ट्रैक्टर पे कई आदमी, जैसे एक आदमी ऊपर चढ़ रहा था तो देखा तार तूर कसन लाग रहे थे पहले तो ये बिजली वाले, और वो फिर अचानक ध्यान दिया ना तो हमने दिशा भी देखा, एकदम खंभ था नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। ये बाद में उसने उठा के पिकअप ले के तो गए हैं, ये पता नहीं हमने भाई वो कितनी चोट लगी है उसके या भाई नहीं लगी है, लेकिन खंभ था पर्दा ऊपर तो देखा हमने, खंभ ऊपर से नीचे गिरा है। क्या करंट लगने से गिरा या वैसे गिरा? ये तो देखो जी वो तो भाई हम कहाँ लाइन काट रखी थी या किस हिसाब का भाई अचानक कोई करंट आया उसमें तार में, लेकिन ऊपर तो पड़ा है वो ये देखा है हमने भाई पड़ गया है, नीचे तो उठा के ले गए उन आदमी। क्या देखा आज आपने जो एक्सीडेंट हुआ? उसमें ये देखा जो बिजली का वो ऊपर पोल पे चढ़ रहे थे और वो तार शॉर्ट होया, मैंने देखा उस तरफ तो वो ऐसे सीधा बिल्कुल ऊपर से ही गिरा जमीन पे। मैं यहाँ से भाग के गया, मैंने देखा वो छाती छुती में सड़ी, वो आग ठहरी हुई थी, उसकी कान में खून आ रहा था बस, वो उसमें फिर वो टेम्पो में ले गए। क्या जो साथ में जो वर्कर थे वही उनको ले गए? हाँ जी हाँ, उसी में ले गए जो साथ में काम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काम कर रहे थे वो वही ले गए। जब आपने उसको गिरते हुए देखा तो आपको क्या लगा कि वो करंट लगने से गिरे या वैसे ही गिर गए? करंट लगने से जी। क्या कोई स्पार्किंग? वैसे हाँ जी, स्पार्किंग मैंने देखी, वो स्पार्किंग देखते ही से एक धड़ाका हुआ, वैसे होते ही मैंने देखा ना तो वो बस ऐसे नीचे गिर गया। अब आप इसको बिजली विभाग की लापरवाही नहीं तो और क्या कहेंगे कि बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के ही बिजली कर्मी को काम करने के लिए खंभे पर चढ़ा दिया जाता है। वहीं आए दिन होने वाले हादसों के बाद भी बिजली विभाग कोई सबक नहीं ले रहा है। बिजली विभाग के एक्शन भागीरथ लोढ़ा ने बताया कि विभाग की तरफ से सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए हुए, लेकिन ठेकेदार ने सुरक्षा उपकरण अपने कर्मचारियों को नहीं दे रखे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हाँ, वो उस लाइन को बंद किया हुआ था और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, तो इलेक्ट्रिकेशन हुआ या नहीं हुआ अभी तक पता नहीं है। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी और हमारे एसडीओ साहब पूरी डिटेल में रिपोर्ट देंगे, उसके बाद मैं कुछ कहने लायक होऊंगा। और मैं भी देखने आ रहा है जो कर्मचारी था उसके पास किसी प्रकार की कोई सेफ्टी उपकरण नहीं थे, उस बारे में क्या कहना? हमने हमारे डिपार्टमेंट ने सेफ्टी किट बांटी है, मैंने खुद यहाँ पर 130 पिछले 140 के आसपास मैंने दिए, उससे पहले भी हमने 200 किट दे सेफ्टी किट दे दी, उसमें हेलमेट है, सेफ्टी बेल्ट है, टॉर्च है, हेड टॉर्च है, तो हम तो पूरा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर लेबर कॉन्ट्रैक्टर थी, इस कारण वो हुआ। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर उसने सेफ क्या इस लापरवाही की वजह से ठेकेदार को माना जाए और उनके खिलाफ महकमे की तरफ से क्या कार्रवाई? हाँ, अभी ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वहाँ सेफ्टी बेल्ट क्यों नहीं था, हेलमेट क्यों नहीं था, और इसके कारण जो भी उसका इंचार्ज है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का, वो उसके खिलाफ हम जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, जो भी डिपार्टमेंट का नियम है उसके हिसाब हम कार्रवाई करेंगे। मृतक के परिजनों ने बताया कि जगमोहन पिछले 4 महीनों से ठेकेदार के साथ बिजली विभाग में काम कर रहा था और आज अचानक से ठेकेदार के कर्मचारियों ने जगमोहन के साथ हुए हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद सभी परिजन दादरी के सरकारी अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि जगमोहन की मौत हो चुकी है। कब से काम कर रहे थे? 4 महीने कर रहा है जी ये, और अब ठेकेदार का पता नहीं जी, वो यहाँ पे आया है कि नहीं आया, उसने फोन करके जरूर बताया इसके भाई तक, भैया ऐसी ऐसी घटना होगी इसको संभालो आकर के। तो ये लाइन पे काम कर रहे थे? हाँ, लाइन पे काम कर रहा था बिजली वाले पे। दूसरी तरफ पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है और मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बिजली ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे थे, उसके लाइन पे वो काम कर रहे थे, करंट लगने की वजह से इनकी मृत्यु होगी। तो परिजनों ने अभी क्या बयान दिए हैं? और परिजनों ने ठेकेदार विजय वासी नेमड़ी वाले के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज करवाया है। तो किन धाराओं के तहत? धारा 304A के तहत अभियोग दर्ज हुआ है। तो क्या सर आरोपियों की गिरफ्तारी वगैरह? नहीं सर, अभी जांच चल रही है और जैसे आगे जांच के मुताबिक आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।